फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वॉइस का नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रहा हूं। फ्रेंड्स यहां पर लिखा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस निम्न आठ का बनता है। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि टेंस हमारे थ्री होते हैं और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इन तीनों का हमारा फोर पार्ट्स होता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से टेंस और इसके टोटल पार्ट्स आप देखेंगे तो 12 हो जाएगा, हमारे 12 हो जाएंगे, लेकिन उनमें से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल आठ ही का बनता है, जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। बाकी जो हमारे चार बच जाते हैं जिनमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ ग्रामर विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग इनका भी बनता है पैसिव वॉइस, जो यहाँ पर लिखा है निम्न चार का नहीं बनता है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनका जो है क्यों नहीं बनता है या बनता है तो किस प्रकार से बनता है। तो फ्रेंड्स आपको यह जानना है सबसे पहले कि इनका आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और वे कौन से बेसिक रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके इन आठों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो आइए मैं वहां आपको ले चलता हूँ। ये फाइव बेसिक रूल्स हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। फ्रेंड्स सबसे जरूरी बात यह आपको नोट करना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनेगा जिस दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब में हो, इन ट्रांजिटिव वर्ब न हो। आइए देखिए, वर्ब हमारा कई प्रकार का होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे मूलतः अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो हमारे जो वर्ब होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इट्स हिंदी सकर्मक क्रिया एंड इट्स हिंदी अकर्मक क्रिया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इन ट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आप देखिए, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, राम हमारा हुआ सब्जेक्ट, राइट्स हमारा हुआ वर्ब या मेन वर्ब और अ लेटर हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो हमें यह जानना है कि यह राइट्स या राइट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अभी मैं आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो इस प्रकार से राइट हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस सब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि सी वीप्स इन हर रूम, वह अपने कमरे में रोती है। वीप्स रोती है मेन वर्ब है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं बताया कि इन ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य का अर्थ पूरा होता है। तो ये हमारा हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बारे में आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे आप जान गए या बता रहे हैं कि अ लेटर ऑब्जेक्ट है और कैसे आप बता रहे हैं कि इन हर रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी सेंटेंस के दिए गए मेन वर्ब में आप सिर्फ दो शब्दों को लगाइए, क्या, किसे या किसको, क्या अकेले है, किसे या किसको एक साथ है। अगर इन दोनों के लगाने पर, अगर इनके बदले में अगर कोई हमें आंसर प्राप्त होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल देखिए, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है, क्या लिखता है, अ लेटर, ये हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, सी वीप्स इन हर रूम, वह अपने कमरे में रोती है, तो वह क्या रोती है, किसे रोती है, इसके बदले में हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हुआ इन ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात इसका पैसिव वॉइस
नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। किसे पढ़ाता हूं? आपको पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हमारे हो गए, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको डीपली बताऊंगा, पहले आप इसको यहां देखें। नेक्स्ट आप देखिए क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहां पर आप देखें, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में हमारा राम सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा मेन वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये सब्जेक्ट बाद में जाएगा, मेन हमारा जो मेन वर्ब है वह वही रहेगा। लिखा है प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, राइट्स हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका जब थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा रिटेन, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा ऑलेटर है, तो ऑलेटर हमारा सबसे पहले आ जाएगा और यहाँ राम हमारा लास्ट में जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स आप यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें यह आपको बताया गया होगा कि अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप पैसिव वॉइस को नहीं समझ सकते, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप टेंस नहीं भी जानते हैं, आप जीरो हैं अगर टेंस में, तो आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए, हर एक पैसिव वॉइस की वीडियो को देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आप बिना टेंस के जानकारी रखते हुए भी बहुत अच्छी तरह से और बेहतर ढंग से पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं और किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उसमें वॉइस का क्वेश्चन दिया है तो। देखिए यहाँ पर प्रत्येक पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, तो यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आरम लगाएंगे, उसमें से कोई एक लगा सकते हैं तो लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा। फिर देखिए मेन वर्ब के बाद बाई का यूज किया जाता है, हालांकि बहुत सारे जो है वॉइस में बाई नहीं लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हुआ अ लेटर इज रिटन बाई राम। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव हो सकता है और बनता है।